नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं जय जी टेक्निकल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कलर ग्रेडिंग। दोस्तों, कलर ग्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी बद्दी क्वालिटी वाली फ़ोटो को एकदम ही एक्सट्रीम प्रो लेवल वाली क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। इसके लिए आपको दोस्तों कोई अच्छी फ़ोटो लेनी है, मतलब कोई पोज भी अच्छा हो, लोकेशन भी अच्छी हो, तब आपकी फ़ोटो में जो कलर ग्रेडिंग है बहुत अच्छी लगने वाली है, जिसमें थोड़ा थोड़ा स्काई भी दिखाई दे रहा हो तो कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छी होगी। या फिर आप ऐसी कोई फ़ोटो उठा लेते हो, जैसे सेल्फी उठा ली, ये उठा ली, तो सेल्फी वगैरह में इतनी अच्छी कलर ग्रेडिंग नहीं हो पाएगी और आपको फ़ोटोग्राफी का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए फ़ोटो भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सीख लेते हैं कि कलर ग्रेडिंग कैसे करना है। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको फोटोज में जो भी अपनी फोटो है उसको ओपन कर लेना है। पीछे कुत्ता भौंक रहा है उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद में ऐड टू लाइटरूम आपको कर देना है। जो भी आपकी फ़ोटो है अच्छी वाली, तो ये मैंने फ़ोटो लाइटरूम में ऐड कर दी है। तो मैं सिंपली लाइटरूम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे लाइटरूम को ओपन करूँगा तो यहाँ अब आपको सबसे पहला जो काम करना है, पहले फ़ोटो को क्रॉप करना है और ये 1:1 वाले एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आपको कट करना है और अपनी फ़ोटो पर अच्छे से पोजिशन कर देना है। तो मैं ये पोजीशन कर देता हूँ। ध्यान रखिए, जो ये ग्रिड लाइंस होती है इसमें बीच वाला ये स्क्वायर होता है, उसके अंदर ही अपना फेस होना चाहिए, तभी अपनी फ़ोटो अच्छी आएगी। तो ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में यहाँ पे लाइट्स पे आपके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऑटो कर देना है। इससे जो भी कलर है, जितने भी कलर है, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। ये करने के बाद में सिंपली आपको कलर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। ये इस पर जाने के बाद में आपको मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कलर आ गए हैं, आप उन कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, जो ऑरेंज वाला कलर होता है वो अपनी स्किन के कलर को एडजस्ट करता है। तो मैं ऑरेंज वाला कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, इससे मेरे जो फेस का रेडनेस है वो कम होएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा, मतलब 28% मैं इसको कर देता हूँ। करने के बाद में सैचुरेशन जो है वो थोड़ी कम करूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा सैचुरेटेड फेस करूँगा तो ये लाल ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने -25 कर दिया और लूमिनस को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, इसलिए मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो आएगा। आप लोग देख सकते हैं ग्लो आ रहा है। तो ये मैंने 29 पे कर दिया है। अब जो है, मैं ग्रीन वाले जो कलर है उसको मैं बिल्कुल डार्क करूँगा। बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो मेरे को उसको कम करने के लिए मेरे को ये जो ह्यू है इसको कम करना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ -73। इसको भी मैं इतना ही करूँगा, लगभग ये हो गया है। और ये जो लूमिनस है इसको थोड़ा कम करूँगा, ज़्यादा कम करूँगा तो वो थोड़ा ब्लरी सा, बेकार सा दिखेगा। और यहाँ पे मैं ये येलो कलर सेलेक्ट करूँगा। अब आप दो देख सकते हैं, जो भी पेड़ पौधे उनमें थोड़ा सा येलो कलर भी होता है, तो वो येलो कलर भी इससे कंट्रोल करना है और उसको भी अपने को डार्क करना है। तो यहाँ पे मैं ह्यू को भी कम करूँगा, और मैंने ह्यू को कम किया और थोड़ा सैचुरेशन भी कम करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी पीछे पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल डार्क हो चुके हैं। यहाँ पे लूमिनस को भी थोड़ा सा कम कर देना है येलो कलर में। ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। और मेरी जो जैकेट का कलर है वो यहाँ पे डन के नीचे आप लोग देख रहे होंगे ये आ रहा है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैकेट का, बेसिकली जैकेट का नहीं है लेकिन अपने जैकेट पर ये टोन आ रहा है, तो मैं इस वाले टोन को थोड़ा कम करूँगा। यहाँ पे ह्यू को यहाँ पे कम करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जैकेट का कलर थोड़ा निखर के आया है। और मैं सैचुरेशन थोड़ी बढ़ाऊँगा इससे कि मेरी जैकेट थोड़ी अच्छी दिखेगी। ये मैं सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैकेट कितनी निखर के आई है। इससे पहले जैकेट बिल्कुल बेकार लग रही थी। और लूमिनस को भी मैं थोड़ा सा कम करूँगा। यहाँ पे -58 लूमिनस कर दिया है। और अब बारी है रेड कलर की। रेड कलर जो अपने लिप्स वगैरह होते हैं और जितनी भी चीज़ें होते हैं उनको ठीक करता है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे रेड वाले कलर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो नॉइज़ आ जाएगा। तो मैं ये यहाँ पे 9% और ये 14 लूमिनस को भी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, से थोड़ा सही रहेगा। अब ब्लू कलर को भी सेट कर लेते हैं थोड़ा। ये ब्लू कलर काफ़ी अच्छा टोन डालता है अपनी फ़ोटो के अंदर। तो मैं यहाँ पे ह्यू को -36% करूँगा और सैचुरेशन को भी ये थोड़ा सा कम कर दूँगा।
तो बेसिकली इसका काम ये है कि आप अपने जितने भी कलर्स हैं उनको सेट कर सकते हो। इसके बाद में सबसे बड़ा प्रोसेस है लाइट का। अब हमने को लाइट एडजस्ट करनी है, लाइट एडजस्ट करनी। अगर आपको अपने फ़ोटो के अंदर बिल्कुल सभी कलर्स अच्छे से दिखाने हैं आपको, तो मतलब हार्ड दिखाना है, तो आप लोग देखिए जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा अपनी फ़ोटो में थोड़ा हार्डनेस आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने मतलब हार्ड आ रही है फ़ोटो के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो थोड़ी वाइट वाइट दिखे क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है तो ऐसे लग रहा है जैसे फॉगिंग हो रखा है चारों तरफ। तो ये मैं इधर कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाऊँगा तो थोड़ी अच्छे से मेरे फेस पे कपड़ों पे फॉगिंग वगैरह दिखेगी थोड़ी। और यहाँ पे मैं हाईलाइट को भी थोड़ा कम करूँगा और जो वाइट कलर है उसको भी मैं थोड़ा कम करूँगा ताकि जो भी फेस वगैरह है बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे सके। आप लोग देख सकते हैं कि पहले फ़ोटो कैसी थी और अब फ़ोटो कैसी हो गई है। यहाँ पे ब्लैक कलर को थोड़ा कम करेंगे इसलिए हमारा चश्मा और बियर्ड वगैरह जो भी है अच्छी दिखे, आप लोग देख सकते हैं। और शेडो को थोड़ा सा आई थिंक इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो मैंने ये बढ़ा दिया क्योंकि इससे फेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और एक्सपोज़र थोड़ा मैं कम करना चाहूँगा क्योंकि लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो एक्सपोज़र मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, -0.52 कर दिया मैंने। अब आपको जाना है ये विगनेट वाले सेक्शन पे। जाने के बाद में आपको विगनेट है वो थोड़ा डिक्रीज़ करना, इसलिए चारों तरफ अपने एक विगनेट की लेयर बन जाएगी। और डिजो को भी थोड़ा सा माइनस करना इसलिए वाइट वाइट हो सके अपनी फ़ोटो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने -6% किया है ओनली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे अब इस फेदर दिख रहा होगा आपको, फेदर को नहीं छेड़ना है और अपने को यहाँ पे ग्रेन अमाउंट दिख रहा है, ग्रेन वाले अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्रेन बढ़ाए, ग्रेन का मतलब अपनी फ़ोटो जो है वो बिल्कुल बेकार बेकार नहीं दिखेगी और फ़ोटो के अंदर एक अजीब सी लेयर चढ़ जाती है। आप लोग मान सकते हो कि लेमिनेशन बोल सकते हैं इसको, अंदर वाला लेमिनेशन, ठीक है। तो ये मैंने ग्रेन कर दिया थोड़ा। और यहाँ पे जाने के बाद मैं स्प्लिट टोन पे जाऊँगा। अब सबसे बड़ी टोन है मतलब बैलेंस को आपको 100 कर देना है। सबसे पहले मैं बैलेंस जो आपको नीचे दिख रहा है इसको 100 कर देना है। और शेडो में आपको जो भी टोन चाहिए वो टोन ले लेना है। आप यहाँ पे रेड कलर का भी ले सकते हो अपनी फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे हल्का सा वाइट सा ब्लू सा लेना है मेरे को यहाँ पे टोन, तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। और जो ऊपर वाला भी है टोन वो भी मेरे को हल्का ही चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश टोन भी ले लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये हल्का सा, बहुत हल्का सा आता है इस पर। अगर अपन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो फ़ोटो जो है वो बिगड़ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ़ोटो अपनी एडिट हो चुकी है। अब आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। आपकी फ़ोटो अपने डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले अपनी फ़ोटो कुछ ऐसी थी और कलर ग्रेडिंग करने के बाद में फ़ोटो कुछ ऐसी हो चुकी है। दोस्तों ऐसी फ़ोटो सबको पसंद आती है, अगर आप ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छी रीच मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।